तो आपने जैसे पहले वाले पार्ट में देखा होगा, हमने दर्शन कर लिए थे भैरवा के, हम फोटो खिंचा रहे थे। तो अब हम उसी टिकट से अब हम निकल लेते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। तो चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर अर्धकुमारी भी जाना है, तो रात तक नंबर आ पाएगा। तो चलिए चलते हैं पहले। तो हम वैष्णो देवी धाम पे आ गए हैं। यहाँ से हम पैदल जाएंगे अर्धकुमारी तक। इस बार मम्मी पापा भी हमारे साथ ही पैदल पैदल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। इस शाम के 5 या 6 बज रहे हैं। आप देखिए एक बार सनसेट देखिए कितना मस्त लग रहा है। और रास्ते से हम जा रहे थे तो पता नहीं ये पहाड़ों के ऊपर एक कौन सा जानवर, आप बताइए ये हिरन है कि नील का है, आप कमेंट में जरूर बताना। तो पैदल चलते चलते भूख लगाती है तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं। यहाँ पर हमने डोसा खाया था, यहीं पर हम कढ़ी चावल खा लेते हैं। तो एक खा के अब चलते हैं और नीचे। तो भाई देखिए हम रात का नज़ारा देखिए एक बार। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी। ये सब लोग जो वेट कर रहे हैं ये सब वही हैं जिनका नंबर लगा हुआ है। तो भाई 2-3 दिन तक लोग वेट करते हैं अर्धकुमारी दर्शन के लिए, भाग्यशाली लोगों के हो पाते हैं। तो हम भी पहुँच चुके फाइनली अर्धकुमारी। तो हमारा नंबर अभी बहुत दूर है, अभी नंबर चल रहा है 675। हमारा नंबर 9 है, 700 तक काउंटिंग जाती है, फिर उसके बाद फिर से रिस्टार्ट रहता था। हमारा नंबर 9 है, बहुत टाइम है। तो भाई हम वेट कर रहे हैं, तो मम्मी पापा ने खाना नहीं खाया है, तो हम पहले खाना खाने आ जाते हैं। तो यहाँ मम्मी भैया सब मिलकर आराम से अच्छा सा खाना खाते हैं पहले। तो भाई थोड़ी देर वेट लेते हैं क्योंकि अभी बहुत टाइम है नंबर आने में। क्योंकि मुझे पता है सब बोल रहे हैं 12 बजे तक नंबर आ जाएगा, बट 4 या 5 तो सुबह के बज में दर्शन करते करते थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इनका। तो सुबह के बज चुके हैं 4:30 और हमने फाइनली दर्शन हो चुके हैं भाई। इतने अच्छे दर्शन हुए, एकदम आराम से दर्शन हुए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। और भाई छोटी सी गुफा में से जाना होता है भाई, कसम से बहुत ही ज़्यादा आनंद आया, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। तो अब यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर रास्ते में मैं भैया और मम्मी आराम से हमें पहले मसाज लेते हैं। मसाज मशीन यहाँ पर जगह जगह आपको मिलेंगे, 10-20-30 रुपये रेट है। तो देखिए भाई भैया मम्मी मैं आराम से यहाँ पे रिलैक्स करते हैं। तो भैया फुल मज़े आ रहे हैं, तो आराम से बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ पर। तो गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने रूम में। भाई बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो आप हमने नया रूम चेंज कर लिया था, वहाँ से हमने चेकआउट कर दिया था। तो नए रूम में हम आ गए हैं, तो आप यहाँ से ही आप मैं आपको लेट लेट ही दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई पूरा रूम डबल बेड है, और नीचे एक और बेड उन्होंने डाल दिया नीचे गद्दा जिस पर मैं लेटा हुआ हूँ। टीवी है, और भाई यहाँ पर AC भी लगा हुआ है, पर AC का कुछ काम नहीं किया, ऑलरेडी इतनी सर्दी है। ये देख लीजिए आप पूरा रूम। तो भाई मैं सो गया था, तो आज पूरा दिन फ्री है, हमारा घूमने का प्लान कर ले। तो आज पूरा दिन फ्री है, सबसे पहले हम जाएंगे मार्केट। चलिए चलते हैं। तो मैं भैया मम्मी पापा यहाँ पर मार्केट घूमने आ गए हैं। तो यहाँ पे भाई सब लोग ज़्यादा क्या खरीदते हैं, ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ के ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो भाई मम्मी पापा गए हैं अंदर, मैं भैया बाहर खड़े हैं यहाँ पर। तो रात के बज चुके हैं 9, अब हम यहाँ पर जाते हैं कई रेस्टोरेंट खाना वगैरह खाने। तो चलिए चलते हैं भाई, बहुत ही भूख लग रही है। तो भाई ये आ गया मेन्यू कार्ड, तो भाई चलिए जल्दी से ऑर्डर करते हैं भाई, भूख बहुत तेज लगी है। तो भाई यहाँ मंगा लिया है हमने कढ़ाई पनीर और दाल फ्राई मंगा लिया, और यहाँ पे मंगा लिया पनीर पराठा। तो भाई खाना जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कराएंगे आपको शिवकॉर्ड के दर्शन। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आपको मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग में। चलिए क्लिप, बाय बाय।